नमस्कार, फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। अब एक नजर 10 बड़ी खबरों पर। एनडीए सरकार में अपनी पार्टी द्वारा 2-3 कैबिनेट पदों की मांग की खबरों पर एलजेपी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं, कोई मांग नहीं है। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की जनता ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। हमने समीक्षा की है, नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लोगों ने सकारात्मक बदलाव के लिए वोट किया। पीडीए की लड़ाई लंबी है, जहां उम्मीद थी हम वो नहीं जीत पाए, विपक्ष अब मजबूत होगा। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय जीते कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल वापस पार्टी में लौटेंगे, इससे कांग्रेस के 99 से 100 सांसद हो जाएंगे। सचिन पायलट ने कहा है कि नतीजों का अधिकांश श्रेय राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी को देता हूं। विपक्ष के अकेले नेता राहुल जी थे जिन्होंने सरकार को चुनौती दी, उनकी भूमिका अहम थी और आने वाले दिनों में भी अहम होगी। दिल्ली में पानी की कमी के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है, कई जगह टैंकर से पानी लेने के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है, लोगों को घंटों टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी आपस में भिड़ गए, दो कैदियों ने मिलकर एक कैदी पर हमला कर दिया, झगड़े में कैदी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा है कि राजपूतों की अनदेखी की वजह से बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा है, बीजेपी सरकार के दौरान राजपूतों को साइड लाइन किया गया है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर 22 सदस्यों का दल खराब मौसम के चलते फंस गया था, 4 जून को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, 22 में से 13 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को आसानी से हरा दिया, लेकिन इस जीत के स्वाद को थोड़ा बिगाड़ दिया कप्तान रोहित शर्मा की चोट ने। भारत का अगला मैच अब पाकिस्तान से होना है और उससे पहले उनकी फिटनेस पर नजर रही। खास खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।